हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ट्रैकर स्टार में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर में जो नया अपडेट आया है माइग्रेट आउट का, उसके बारे में। दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये माइग्रेट आउट आखिर है क्या, इससे क्या होगा, क्या हमारे लाभार्थी डिलीट हो जाएंगे या फिर क्या इससे होगा। दोस्तों, इस बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूं जिससे आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलती है, काफ़ी नई नई जानकारी मिलती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों हम अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर। यहाँ से हम अपना पोषण ट्रैकर खोल लेंगे और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना पोषण ट्रैकर अपडेट नहीं किया है, तो वे अपना पोषण ट्रैकर अपडेट अवश्य कर ले, क्योंकि अभी हाल ही में पोषण ट्रैकर ने अपना नया अपडेट जारी किया था 18.5.1। तो दोस्तों, आप उसे प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो माइग्रेट आउट का ऑप्शन है यह है स्पेशली बेनिफिशरीज के लिए है। तो हम यहाँ पर एक बार आप देख लें कि यहाँ पर हम बेनिफिशरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने बेनिफिशरी कैटेगरी वाइज खुल चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर खोल कर दिखाता हूँ चिल्ड्रन 3 से 6 साल वाले, अर्थात सबसे लास्ट की जो श्रेणी है 3 से 6 वर्ष के लाभार्थी बच्चे, इसको खोल लेते हैं हम। अब मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही दोस्तों हम सामने किसी भी लाभार्थी के सामने 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा माइग्रेट आउट। अब दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा समझिएगा कि हमारे कुछ लाभार्थी ऐसे होते हैं, आप 3 से 6 वर्ष के ही लाभार्थी मान लीजिए कि हमारा कोई लाभार्थी ऐसा है जो 5 साल का हो गया, 5 साल का होने के बाद वह लाभार्थी आपके केंद्र से हटकर और अन्य प्राइवेट स्कूल में चला गया है या फिर किसी प्राइमरी स्कूल में, जैसे भी कहीं और चला गया है आपके केंद्र से हटकर। तो इसमें क्या है कि पोषण ट्रैकर में अभी भी कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं है, तो उस लाभार्थी को आप यहाँ से माइग्रेट आउट कर देंगे। माइग्रेट आउट करने का फ़ायदा क्या होगा? माइग्रेट आउट करने का फ़ायदा ये होगा कि वह लाभार्थी आपकी यहाँ से इस लाभार्थी श्रेणी से हटकर एक नई जो लिस्ट बनेगी माइग्रेट आउट की, वहाँ पर पहुँच जाएगा। अर्थात दोस्तों, वह लाभार्थी आपका लाभार्थी नहीं रहेगा, वह बच्चा आपका लाभार्थी नहीं रहेगा। अब आप फिर से समझिएगा, कोई लाभार्थी आपका कोई बच्चा ऐसा है जो आपके केंद्र से, मतलब कि पंजीकृत था लेकिन अब नहीं है, आपके केंद्र से हट गया है, कहीं और अन्य जगह एडमिशन ले लिया है या फिर कहीं और रहना शुरू कर दिया है उसने, आपके केंद्र पर नहीं आता है, तो दोस्तों आप उसे यहाँ से माइग्रेट आउट कर सकते हैं। माइग्रेट आउट करने का फ़ायदा मैं फिर से बता रहा हूँ कि वह आपकी लाभार्थी श्रेणी से हट जाएगा और अन्य दूसरी जो माइग्रेट आउट की नई लिस्ट है उसमें पहुँच जाएगा। तो एक बार मैं आपको एक लाभार्थी यहाँ पर माइग्रेट आउट करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक लाभार्थी है हमारी, यहाँ पर ये शिवांगी, इसके सामने हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है माइग्रेट आउट का, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मांग रहा है, मैं बोला हूँ समझिएगा आप, माइग्रेट आउट प्रोफाइल्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम बेनिफिशरी लिस्ट। अर्थात माइग्रेट आउट प्रोफाइल से आपका लाभार्थी बेनिफिशरी लिस्ट से हट जाएगा। नीचे लिखा है दोस्तों, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसेस, क्या वास्तव में आप मतलब कि इसे यहाँ से हटाना चाहते हैं? तो दोस्तों, हम यहाँ पर इस पर यस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा रहा है दोस्तों, प्लीज़ वेट विल वी प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। और नीचे दोस्तों दो राइट के निशान आ गए हैं ग्रीन कलर में, रिमूव प्रोफाइल फ्रॉम बेनिफिशरी लिस्ट, अर्थात लाभार्थी यहाँ से बेनिफिशरी लिस्ट से रिमूव हो चुका है। दूसरा है दोस्तों, माइग्रेट आउट सक्सेसफुली, अर्थात लाभार्थी माइग्रेट आउट हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे है गो टू होम, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि वह हमारा लाभार्थी कहाँ पर आया है और आप यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे माइग्रेटेड आउट बेनिफिशरीज, तो हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ये लाभार्थी माइग्रेट आउट किया था अभी शिवांगी,
वो है हमारा यहाँ पर माइग्रेट आउट वाली लिस्ट में आ चुका है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि लाभार्थी कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है या फिर किसी भी कारणवश वह आपके केंद्र से हट जाता है, लेकिन फिर भी कभी भी आपके अगर केंद्र पर आता है तो आप उसका नया रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा। आप यहीं पर उसी माइग्रेट आउट वाली जो अभी लिस्ट खुली हुई है यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इसी माइग्रेट आउट बेनिफिशियरी वाली लिस्ट में आएंगे और जो लाभार्थी आपके केंद्र पर दोबारा फिर से आया है आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये है माइग्रेट इन। पहले दोस्तों में लाभार्थी को माइग्रेट आउट किया था, अब यहाँ से माइग्रेट इन करके हम उस लाभार्थी को पुनः अर्थात फिर से अपनी बेनिफिशियरी लिस्ट में ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम उस लाभार्थी का पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, हमें वह माइग्रेट इन ही करना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर शिवांगी को माइग्रेट इन कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये कन्फर्मेशन मांग रहा है, व्हेन यू माइग्रेट इन द प्रोफाइल विल बी रिस्टोर्ड बैक टू बेनिफिशियरी लिस्ट, आर यू श्योर टू वांट टू प्रोसीड। दोस्तों उसको यहाँ पर हम यस कर देंगे। ये कन्फर्मेशन दोस्तों ये है कि क्या आप वास्तव में अपने लाभार्थी को फिर से अपनी बेनिफिशियरी लिस्ट में पहुँचाना चाहते हैं, तो हम दोस्तों उसको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। अब लिखा रहे दोस्तों प्लीज वेट विल वी प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, माइग्रेटिंग रिक्वेस्ट हैज बीन एंटेड एंड बेनिफिशियरी प्रोफाइल विल बी रिस्टोर्ड टू बेनिफिशियरी लिस्ट विद इन 24 आवर्स, अर्थात 24 घंटे के अंदर लाभार्थी लिस्ट में पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ पर गो टू होम पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो लाभार्थी हमने माइग्रेट आउट किया था, फिर हमने उस लाभार्थी को माइग्रेट इन किया है, अब यहाँ पर देखिए माइग्रेट आउट पर एक बार लिस्ट खोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लाभार्थी पहले यहाँ शिवांगी था, यहाँ से वह हट चुका है। अब देखते हैं दोस्तों क्या है, हमारी लिस्ट में पहुँच चुका है। हम यहाँ पर इसको खोलेंगे और यहाँ से दोस्तों हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। दोस्तों अभी हमारा लाभार्थी यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि 24 घंटे का समय हमें दिया गया है, 24 घंटे के अंदर अंदर वह लाभार्थी यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को समझ चुके होंगे, आप आसानी से मैंने आपको समझाया है कि कैसे माइग्रेट आउट क्या होता है, कैसे करना होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, सभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी माइग्रेट आउट वाले ऑप्शन को आसानी से समझ सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही नई नई जानकारी की वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।